वनडे में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज देखे धोनी का स्थान। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वनडे क्रिकेट में हर बल्लेबाज बड़ी पारी खेलना चाहता है और ढेरों रन बनाना चाहता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी इसमें कामयाब हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको उन टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे तेज वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाए थे, जिसमें धोनी का स्थान चुका देने वाला था। नंबर 1 विराट कोहली। दोस्तों भारतीय टीम कप्तान और रन मशीन के नाम से फेमस विराट कोहली इसी सूची में नंबर 1 पर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रनों तक पहुंचाने के लिए मात्र 205 पारी खेली थी। इसी तरह कोहली ने पिछले साल सचिन तेंदुलकर के 17 साल पुराने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, जिसके लिए सचिन ने 249 पारी खेली थी। नंबर 2 सचिन तेंदुलकर। आपको बता दें कि वनडे क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने इस जादुई आंकड़े के लिए 259 पारी खेली और सचिन ने ये रिकॉर्ड साल 2001 में बनाया था, जो करीब 17 साल तक कायम रहा था। नंबर 3 सौरभ गांगुली। सचिन के बाद सौरभ गांगुली ऐसे दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने थे जिन्होंने वनडे में अपने 10,000 रन पूरे किए थे। सौरभ गांगुली ने इसके लिए 263 पारी थी। सौरभ ने ये रिकॉर्ड साल 2005 में बनाया था। नंबर 4 रिकी पोंटिंग। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बड़े क्रिकेट में अपने 10,000 रन के लिए 266 पारी खेली थी। पोंटिंग ने साल 2007 में ये उपलब्धि हासिल की थी। नंबर 5 एमएस धोनी। टॉप 5 की इस लिस्ट में धोनी ही एकमात्र ऐसे क्रिकेटर है जिन्होंने वनडे क्रिकेट में अपने 10,000 निचले क्रम पर बल्लेबाजी नंबर 4, 5, 6, 7 करते हुए बनाए थे। धोनी ने अपने 10,000 रन के लिए 273 पारी खेली थी।